तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप जीपीएफ और टैक्स किसी एम्प्लॉय का कैसे एडिट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ई सैलरी पे लॉगिन होना होगा। चलिए ई सैलरी को ओपन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे हम ई सैलरी को ओपन करेंगे, यहाँ पे ओपन होने के बाद हम इस पे मेकर पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं मेकर पे लॉगिन होने जा रहा हूँ। आने के बाद आपको क्या करना है, इसकी एड एडिट सैलरी डिटेल पे क्लिक करना है। एम्प्लॉई वाले ऑप्शन में एडिट सैलरी डिटेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, वहां से एम्प्लॉई सिलेक्ट कीजिए जिसका आप जीपीएफ एडिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉई का नाम सिलेक्ट कर लिया है। यहां से सैलरी एडिट कर सकते हैं, यहां से डिडक्शन। तो हम डिडक्शन में जाएंगे जीपीएफ और टैक्स एडिट करने के लिए, या कोई रिकवरी करनी है तो एडिट डिडक्शन डिटेल में जाएंगे। यहां से देखिए जीपीएफ इसने 40,000 का रखा है, यहां से हम एडिट कर सकते हैं इसको जितना भी करना चाहे। यहां से यहाँ पे भर दीजिए, उसके बाद आप यहाँ से इनकम टैक्स जितना काटना चाहते हैं इसमें भर दें। उसके बाद जीआईएस अमाउंट 60 रुपए है, फोर्थ क्लास की 30 रुपए होती है, तो यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद डीओबीटी यहाँ से काट सकते हैं। ठीक है, ट्रेजरी ऑफिसर की होती है ये डीडीओबीटी, जो डीडीओ काटता है यहाँ से वो चार्ज काट सकता है। ठीक है, डीडीओ यहाँ पे लिख दें, अदर डिडक्शन में डाल सकते हैं। और ये सारे कॉलम दिए हुए हैं यहाँ पे, पोस्टल मेंटेनेंस चार्जेस, वाटर चार्जेस, जो भी है वेलफेयर फंड में डालना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। LIC वगैरह की अमाउंट भी यहाँ से डाल सकते हैं। और उसको अपडेट करने के बाद इसको यहाँ अपडेट डिडक्शन के ऊपर क्लिक कर दें। इसको चेकर से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपडेट डिडक्शन से ही काम चल जाएगा।